हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। हेलो खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे हेलो, खालिद क्या भाई बेड़ा अस्सलाम हो गया, क्या वालेकुम। क्या गूंगा हो गया। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अरे खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और भाईजान सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। जी भाई, मैंने अपने बैलेंस से फोन किया है। अब तो आप बात करने के लिए तैयार हैं या अभी भी आप फोन काट के भागेंगे? चलिए अरे, तू बैलेंस खर्च कर रहा तो कौन बात नहीं करेगा। माशाल्लाह। देखिए भाई, हम लोग की जो बात हो रही थी वो हो रही थी बैस्ती जेवर मसला हाँ नंबर 10। उसमें उतरा हुआ है कि मुंह में हाँ पान दबा हुआ है और हाँ उसकी पीक हलक में जाती रहे तो नमाज नहीं हुई। नमाज तोड़ देने हाँ वाली चीजों का बयान, भाग नंबर 2, पेज नंबर 86। हाँ तो पेज नंबर 86, तो अभी आपने 36, कहा 86, 86, 86। 36, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने कहा कि नहीं अफू, तुम पागल हो, तुम्हें ये मसला समझ में नहीं आया, तो ठीक थोड़ा है, आप अब जो मतलब मैं समझा रुकूंगा, दीजिए। दो मिनट दो मिनट 5 मिनट बाद मेरे को कॉल करना। क्यों? हाँ, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, 5 अभी तो कह रहे हो आपने फोन किया है तो हम बात करेंगे, अब आप फिर भाग रहे हो। हाँ तो बात कौन रहा है, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट, 5 मिनट रुक के बात करना। 5 मिनट रुक के बात करना? क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप? सब तो कर ले रहे हैं, रुको तो रहे बस। हाँ बताए, इसमें गलत किया है। भाई मसला नंबर 10 है कि मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीक अगर हाँ अगर हलक में जा रही है तो नमाज नहीं हुई। तो इसका मतलब हाँ ये है पहली कि बात पान अगर पहली खा बात रहे हैं। पहली बात पहली बात सुन, तूने तो कल तूने बोल दिया ना, ये और बोलेगा अभी। नहीं, मेरा एतराज सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर आराम से हाँ चल जवाब बोल ले, एक दीजिए, बार ठीक और बोल ले, एक बार और बोलना। है? हाँ, तो मेरा इसमें एतराज है कि अशरफ अली थानवी को या तो साफ साफ कहना चाहिए था कि नहीं, नमाज की हालत में कुछ ये तेरा भी एतराज मत है, ये खाओ तेरा पियो। कयास है, ये तेरा एतराज है, तेरा एतराज है, कयास है, एतराज है मेरे भाई, ये सुन तो तेरा लो। कयास है, एतराज नहीं है। लो मेरे भाई, अब एतराज को कयास बोल लो, मतलब तुम्हारा दीनी कयास हो गया है क्या? तुम्हें एतराज भी कयास लग रहा है? भी मैंने तेरे को, मैंने अभी कैसा कयास ना दरवाजा खुलते हुए तो बोलना, तो खुद कयास करेगा अभी, रुक जा अरे तीन मेरे मिनट रुक। भाई, तूने मेरा कयास भी एतराज खत्म सुन लो। किया है। मेरे खाली 2 ही एतराज हैं, उसके बाद आप आराम से बोलो, रात भर बोलो, मैंने फोन किया है, हम फोन नहीं काटेंगे तूने एक इंशाल्लाह। बार से जवाब तो दिया नहीं है तूने अभी तक। तो वही तो हम बता रहे हैं मेरे भाई कि मुंह में पान दबा हुआ है और उसकी पीक अगर हलक में जा रही है तो नमाज नहीं होगी, लेकिन पान हाँ अगर दबा हुआ है और पीक अगर भाई वो नहीं जा रही है तो नमाज हो जाएगी। तो पान हाँ खा के नमाज कौन पढ़ता है, पहला सवाल तो ये। अब अगर आप हाँ कहेंगे नहीं, इसका मतलब ये कि पान भी ना खाओ और फला भी और उसकी पीक भी ना पियो, तो भाई मैं आपसे हाँ कहूंगा कि अशरफ अली थानवी को साफ साफ कहना चाहिए था कि नमाज की हालत में पान, बीड़ी, सिगरेट और उसका पीक ये सब कुछ भी नहीं करना हाँ चाहिए, कयास कयास और यहाँ तक कयास कि कर, हाँ खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमाज तभी और होगी कयास जब कर ले। इंसान कुल्ली कर लेगा, और जब कुल्ली कर हाँ लेगा तो उसके मुंह में कुछ बचेगा नहीं, तो मुंह में पान हाँ दबा के नमाज कौन पढ़ता है? आपकी अम्मा पढ़ती है, बहन पढ़ती है, अब्बा पढ़ते हैं, मामू पढ़ते हैं, कालू पढ़ते हैं, या आप पढ़ते हो? बस जवाब दो। और कुछ बोलना, नहीं और नहीं कुछ जवाब दो बोलना, फटाफट मेरे भाई, पान खा के नहीं नमाज और कौन कुछ पढ़ता बोलना है? है, और कुछ बोलना नहीं मेरे भाई, आपको अशरफ अली थानवी साहब का मतलब भाई वो दिफा करने का बहुत मतलब वो शौक सवार है ना, है। तो अरे थोड़ा हमारे हमारा शौक उलमा पूरा ने कर हर दीजिए। बात लिखी है, दीपा तो गैर मुखलिस, अपने उलमाओं को करते हैं, हम तुमने नहीं अपने करते। हाँ उलमाओं को रब बना रखा है, रब नहीं रब बनाया यार, मेरे भाई रब वो नहीं गलत बनाया भी यार। कुछ कह रहे हैं तो भी कोई तुम्हें कहता सही भी लग होगा जो रही इमाम है। बुखारी का दिफा करे, अगर कोई इमाम बुखारी का दिफा करे, इमाम बुखारी अच्छा का कब दिफा है इमाम यहाँ बुखारी क्या का है? दिफा, अशरफ भाई, हाँ क्या अशरफ है अली थानवी ने लिखी है बैस्ती जेवर, इमाम तो बुखारी भाई, ने उस नहीं। दिफा की बात कर रहा ना, तो बुखारी के पास कहना, हाँ तो मेरे भाई, इमाम बुखारी बुखारी का के कुत्ते ऊपर का तुम झूठा पाक एतराज क्या है, करो ये ना, आपका हम दिफा बोलेगा करेंगे ना। इमाम बुखारी ने कहा है कुत्ते का झूठा पाक है। कुत्ते का झूठा पाक है? कहाँ हाँ कुरान लिखा है भाई ये? तो मखलूक का है, और नहीं वहां नहीं वाला कहाँ मेरे की लिखा है? महल से कहाँ लिखा है, तो हाँ पूछ लो अपने उस्ताद साहब से, वो शाहबुद्दीन साहब से पूछ लो। तुम किससे? एक काम करो, शाहबुद्दीन साहब से ही मेरी बात करा दो ना। अरे सावर दिन से क्या बात हो रही, तेरे औकात मेरे को तो बात करने की नहीं है, तो उनसे बात मेरे करेगा भाई, क्या, अब तुम बैस्ती जाएगा जेवर से आजम। भाग के अब अब तुम तो जा जो रहे हो तूने कई एतराज किया है भुखारी ना, के अब तो ऊपर। उसकी सुन, तूने क्या, तूने कहा कि तुमने अपने अफगान खानवी को रब बना लिया है, तूने ये बात की थी ना, तो तो तुम तुमने ही तो उनका दिफा दिफा कर रहे हो करके ना, वो तुम ही तो उनका, कह रहे हो कि तो हमारे कभी वो हैं, उलमा हैं, अकाबिर हैं, अकाबिर परस्त हो तुम लोग।
अच्छा, जो किसी का दिफा करे उसको रब बना लिया। मेरे भाई तुम लोग के सामने अल्लाह के नबी को कोई कुछ कहेगा तो तुम लोग की छाती पे सांप नहीं लौटेगा, लेकिन कोई अकाबिर को कह देगा तो रोने लगोगे, हमारे अकाबिर को कैसे कह दिया है। अजीब है यार, के नबी को बोलते हैं और हम कुछ नहीं बोलते। अल्लाह के नबी को जो लोग कहते हैं, मुनाफिक लोग, काफिर लोग जो इल्जाम लगाते हैं, तुम लोग कहाँ मर जाते हो? और जब अकाबिर की कोई गलत बात पेश करता है तो तुम लोग छाती पीट के माता भी स्टार्ट कर देते हो। जब जगदीश ने बलात्कार किया था तब तुम लोग कहाँ भाग गए थे? जब जाकिर नाइक ने कहा था अल्लाह को विष्णु ब्रह्मा के नाम से बुला सकते हैं, तब तुम कहाँ पे भाग गए थे? भाई एक उनका वीडियो हमको दिखा दो, एक वीडियो हमको दिखा दो डॉक्टर जाकिर नाइक का। तेरा वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल तेरे को कहाँ पड़ा हुआ है? नाइक ने कहा आधे अधूरे बीच के कटे हुए वीडियो देखते हो तुम लोग का सारा काम यही है क्या? तो एडिट कर करके देखते हो? आधे अधूरे में ये बात बोल सकते हैं अल्लाह को ब्रह्मा विष्णु को उसने के नाम से बुला दो। भाई एक चीज बताओ, ब्रह्मा का माना क्या होता है? किसका आप जो कह रहे हो ब्रह्मा का माना क्या होता है? ब्रह्मा किसको बुलाया जाता है? तो माना क्या होता है तो मैं माना बताना, ब्रह्मा का माना बता, विष्णु का माना बता। अब तूने बात छेड़ी है ना, बताना। अबे मैं कोई हिंदू थोड़ी ना हूँ ना, तू हिंदू बन रहा है ना, तू ही तो बात बीच में ला रहा है। तू बता हिंदू था तो उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा है ना, वीडियो मेरे पास पड़ी, वीडियो तुम मेरे से ले तो वीडियो जब भेज देना तब बात करना। अभी तुम ये बताओ तुम भाई, तुम ये सेक्सी जेवर से क्यों भाग रहे हो? एक मिनट, नहीं नहीं सेक्सी जेवर पे पहले बात करो, सेक्सी जेवर पे बात करो। भाई नमाज तोड़ देने वाली चीजों का बयान है, मैंने हवाला दे दिया है, हवाला भेज, स्कैन में ऑडियो के साथ भेज दूंगा। चलो तुम इसका जवाब दो, ऑडियो के साथ भेज दूंगा ना, तू परेशान हो रहा हूँ। बात फट गई, फिर बात करता हूँ, फट गई तेरी। अभी मैंने क्या यार अजीब हो या, सुन 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 जाहिल आजम, अभी मैंने जाकिर नायक को भाई डॉक्टर जाकिर नायक का जो पूरा बयान है वो ये है कि अगर हम अगर मतलब कोई मतलब भाई वो ब्रह्मा है तो ब्रह्मा अगर वो चार हाथ वाला है तो हम उसका इनकार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा का माना अगर ये है कि लोगों को पालने वाला, ब्रह्मांड बनाने वाला, तो हम उसको अल्लाह भी कहते हैं। तो वो माना उन्होंने बताया, ये नहीं कहा कि जो वो ब्रह्मा है चार हाथ वाला वो अल्लाह है। ये माना उसने कौन सा कुरान से लिया, कौन सा आराम काम कर दिया, कौन सा आराम काम कर दिया, कुरान से कौन सा हदीस से लिया, ये माना जरा मुझको बताना। अल्लाह ताला क्या पालनहार नहीं है? इस दुनिया को बनाने वाला नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है? पालनहार है ये, इसका माना उन्होंने कहाँ से लिया? अरे पालनहार है दुनिया बनाने वाला या जो भी माना है, माना ही तो फिट किया ना। माना क्या है ठीक है? अरे ऐसा मतलब खालिद का नाम लेके खालिद का माना ये है तो अभी इसको वहाँ फिट कर दो। हाँ तो खालिद का माना क्या है? चलिए बता। अब कोई अपना नाम रहीम लगता है, अब कोई अपना नाम भाई वो रहीम लगता है तो क्या अल्लाह को रहीम हम नहीं बुलाएंगे? अल्लाह भी तो रहम करने वाला है ना, अल रहीम अल करीम। अजीब मेरे भाई बात करते हो तुम, मतलब डॉक्टर जाकिर नायक की इतनी चिड़ क्यों है? ब्रह्मा कहाँ से लेके आया तेरे बाप ने? मेरे भाई ब्रह्मा का माना क्या, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा का माना क्या है? अरे ब्रह्मा का माना कुछ भी हो, तो कुछ भी हो, जब तुम्हें माना ही नहीं पता तो क्यों बहस बता रहे हो ना? तू बता क्या माना है? चल भाई तुझे तो पता है ना, तभी एक मिनट भाई, हम तो कह रहे हैं कि मैंने उनका वीडियो अपनी आंखों से देखा है, यूट्यूब पे भी अपलोड है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा अगर मतलब वो खुदा है जिसका मतलब एक सर है और चारों तरफ देखता है, चारों तरफ उसके सर है और उसके चार हाथ है, तो उसको अल्लाह हम नहीं मानते। लेकिन जो उनका माना है उस माने में अगर हम अल्लाह को कहते हैं तो अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन वो अलग शक्ल नहीं है। जाकिर नायक ने ये माना कहाँ से लिया ब्रह्मा, तू ये बता। अब भाई तुम अब तुम डॉक्टर जाकिर नायक को फोन करो ना, उनसे पूछो भाई। अब तो तुमने जाकिर नायक से दलील मांगी नहीं और तुमने उसकी तकलीद कर ली और उसका दिफा भी करने में लगा। मेरे भाई तकलीद अगर करते ना, तकलीद अगर करते ना, तूने कहा ना जब मैं तकलीद अगर करते तो हम ये ना कहते कि उनसे जाके पूछो। तुम भी हमसे कह दो पूछ लो, तुम भी हमसे पूछ लो, तुम भी हमसे पूछ लो भाई भाई, तुम भी हमसे कह दो कि नहीं हमको नहीं मालूम है, अशरफ अली थानवी से पूछ लो, इनकार कर दो इस मसले का गलत है। इनकार कर दो, ये गलत है मसला, हम ही कहते हैं ये मसला गलत है। चल तो कहते हैं जाकिर नायक की वो बात गलत है। मेरे भाई हमने तो बयान सुना है ना, तो हम क्यों कह देंगे गलत है? तो गलत कह देना, मेरे से तेरी बात सुनी, मेरे किताब में अभी तक जो तूने हवाला दिया मैं कहते रहा हूँ उसके अंदर, सब बात करो उससे। अच्छा चल, तेरे को आज डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर बात करनी है ना, आज मैं तेरी पूरी की पूरी मैं खुजली मिटा देता हूँ, ठीक? एक मिनट रुक, एक मिनट, अभी मैं बयान बजा रहा हूँ, ऑडियो में भी आ जाएगा बयान वाला, ठीक?
ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात क्या है। ठीक, आज मैं झूठे को, आज मैं झूठे, आज मैं झूठे को उसके मैं घर तक पहुंचा के रहूंगा, चल सुन अब। चल ठीक है, तुमने क्या कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि वो ब्रह्मा अल्लाह को बोलते हैं, ठीक है, अभी रुक। आवाज सुन ले, सब कुछ खुदा का है, एक कम एग्जिस्ट, ये संस्कृत अध्याय चार। भाई आवाज साफ नहीं आ रही है, एक मिनट वीडियो खोल तो लूं। सुन, अबे आवाज भी नहीं आ रही, सुनूंगा कहाँ से। अब सुन, किताब नंबर दो, हिम नंबर एक में 33 नाम खुदा को दिए है, कितने नाम, 33, उसमें से एक है ऋग्वेद में, बुक नंबर दो, हिम नंबर एक, श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा, इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर कोई अल्लाह सुभाना व ताला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा, कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके चार सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप पिता पिता उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न सत्यपति महस्ती। अब सुन लिया, अब तेरा झूठ सामने आ गया, पब्लिक के सामने सामने आ गया, झूठ क्या सामने आ गया। बस उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा का मानना होता है खालिक, अगर कोई शख्स इंसान, ब्रह्मा का मानना खालिक होता है। अरे मेरे भाई, ब्रह्मा का मानना क्या होता है, तू बता दे। चल उनको नहीं मालूम, तू बता दे। बताऊँ मैं, एक मिनट, माना मैं, तूने लिया है, माना मैं बताऊँ। हाँ माना तू ले रहा, मैं बताऊं। अबे तू संस्कृत की डिक्शनरी उठाओ, उसमें जाके देख कि ब्रह्मा के कितने माने हैं। के नाम जो कुरान में है वो कम थे क्या, खालिक नाम नहीं है अल्लाह का, और बढ़ा दिया। अल्लाह का नाम खालिक नहीं है, अल्लाह खालिक नहीं है। ब्रह्मा किसने बताया, खालिक है कि नहीं पहले ये बता। ब्रह्मा किसने बताया, खालिक है कि नहीं ये बता। अरे तो ब्रह्मा किसने बताया, खालिक है कि नहीं, तू ये तो बता पहले मेरे भाई। ब्रह्मा पे भी आ रहा हूँ, तू कितना भागेगा आज, पे आए ना आज, तू जितना भागेगा उतना भगाऊंगा तुझे। अल्लाह के, अल्लाह ने कुरान में जितने भी अपने नाम बताए सारे नाम है। अल्लाह को तू खालिक मानता है कि नहीं, अल्लाह बिल्कुल खालिक है, खालिक है। तो खालिक को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटर, और उसको संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मा, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो, किधर से लिया, किधर से लिया, किधर। अबे इसके लिए तुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तेरे को इंग्लिश आती है मेरे भाई, जब अल्लाह पाक तू जा ही लेना, तेरे को अरबी आती है ना, उर्दू आती है ना, इंग्लिश आती है। कुरान में नाम बता दिया, तब फिर तू कौन होता है बताने वाला, कौन जाकिर नायक होता है कि हम अल्लाह को ब्रह्मा के नाम से बुलाते हैं। तू चिंदी चोर है मेरे भाई, तू चिंदी चोर है, तेरे को मान, तेरे को मानना ही नहीं पता। पूरी दुनिया जानती है ब्रह्मा, एक मुंह तीन हाथ और बताओ शकल होती है, और तू। अबे आगे की लाइन तूने नहीं सुनी, उन्होंने क्या कहा, फिर से बजाऊं मैं। अरे वो कौन होता है कहने वाला, अबे मेरे लो मेरे भाई, तो उसकी बात क्यों पेश कर रहे हो, जब वो कोई कहने वाला नहीं होता है तो अजीब बेकार आदमी हो तू। तो कुछ भी बोल देगा, उसकी बात मैं मान लूंगा क्या, तू उसकी तो ना मानो ना। मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ, 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 उसकी बात मान लो, मत मानो उसकी बात, मैं कब कह रहा हूँ। अरे तो उसको दिफा क्यों बोल रहा है, तो कहाँ दिफा किया तुमने, वो झूठ बोला, तुम्हारे झूठ की पोल खोल दिया ना। मैंने झूठ बोला, मैंने क्या झूठ बोला बताना, मैंने क्या झूठ, तुमने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक कहता है कि अल्लाह ही ब्रह्मा है, तो मैंने तुमसे कहा कि नहीं, नायक कहता है कि अल्लाह को ब्रह्मा विष्णु के नाम से बुला सकते हैं। मैंने कहा था जाकिर नायक, अच्छा विष्णु, अल्लाह ही ब्रह्मा है। आगे बजाऊं बयान, चल सुन ले, विष्णु का भी सुन ले, चल तू विष्णु का भी सुन। ब्रह्मा क्या विष्णु से अलग है, ब्रह्मा का नाम ले तो फिर विष्णु का नाम। सुन सुन, दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, वीडियो मेरे को भेज, उसे कहते हैं सत्य, को भेज। अगर उर्दू या अरबी में कहीं है तो वो है, तो मेरे को ये वीडियो भेज। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है।